पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी सुशील पहलवान और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेडी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेडी गैंग के गठजोड़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। YouTube पर यह वीडियो साल 2019 का है। यह वीडियो सोनीपत का बताया जा रहा है, जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेडी के भाई की शादी में शामिल होने के लिए गया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुशील कुमार कैसे जठेडी गैंग के लोगों से हंस हंस के मिल रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। बता दें, वीडियो में काला जठेडी पेरोल पर जेल से बाहर नजर आ रहा है। उसके साथ काफी मात्रा में पुलिस सोर्स है। ये वीडियो काला के भाई प्रदीप की शादी का है। सबसे खास बात, इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कई बार आप सुशील को देख सकते हैं कि वो कैसे हंसी खुशी गैंगस्टरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बकायदा काला गैंग के लोगों के साथ भी वो हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सुशील पहलवान काला जठेडी के रिश्ते करीब 4-5 साल पुराने हैं। पहली बार इस वीडियो में गैंगस्टर काला जठेडी और सुशील कुमार की दोस्ती साफ नजर आ रही है। लेकिन सागर हत्याकांड के बाद से सुशील और काला के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। यहाँ तक कि काला ने सुशील को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। बता दें, सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील ने काला के भांजे सोनू महाल को भी बुरी तरह पीट दिया था, जिससे काला नाराज हो गए थे। इसी वजह से काला ने सुशील को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। लेकिन इस हादसे से पहले दोनों का याराना काफी अच्छा था। इस बात का सबूत है कि सुशील खुद काला के भाई की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। दोनों का दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खास था। लेकिन सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सोनू की पिटाई के बाद से सुशील और काला के रिश्तों में खटास आ गई। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। स्पेशल सेल की टीम काला जठेडी और उसकी पत्नी अनुराधा से लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं।